वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MLT। आज हम ग्राम स्टेनिंग का प्रोसेस कैसे होता है वो सीखेंगे और देखेंगे कि ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव का बैक्टीरिया किस तरीके से दिखाई देता है स्टेनिंग के बाद। इस प्रोसेस को करने के लिए हमें कई चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले हम इसके रिक्वायरमेंट्स बताएंगे कि हमें ग्राम स्टेनिंग करने के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट है स्लाइड। स्लाइड पे ही हम बैक्टीरिया को लेकर इस पर स्मीयर बनाते हैं, देन उसके बाद इसको स्टेन करते हैं। इसी दिस इज़ अ नॉर्मल स्लाइड। इसे हम स्लाइड पे स्टेनिंग करने से पहले यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल स्लाइड स्लाइड पे लगाते हैं। सो दिस इज़ अ कल्चर मीडिया, यानी हमें बैक्टीरिया नेगेटिव है पॉजिटिव पता करने के लिए सीधी सी बात है हमें एक मीडिया चाहिए, यानी किसी भी इंसान का सैंपल जिसको हम इस कल्चर प्लेट में उसके बैक्टीरिया को हम ग्रो कराते हैं। दिस इज द बैक पार्ट ऑफ कल्चर मीडिया प्लेट। दिस इज अ ग्राम्स क्रिस्टल वायलेट। ये स्टेनिंग का प्राइमरी स्टेन होता है जो सबसे पहले हम स्लाइड पर यूज करते हैं। दूसरा होता है ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन। ये एक सॉल्यूशन होता है, आगे बताएंगे इसका यूज किस तरीके से करें। नेक्स्ट है हमारा ग्राम्स डिकलराइजर एंड द लास्ट स्टेन, और इसे काउंटर स्टेन भी बोलते हैं, सेफ्रिन। ये हमारा काउंटर स्टेन भी होता है, इसको हम काउंटर स्टेन बोलते हैं। ये सेकंड स्टेन होता है ग्राम स्टेनिंग का। नेक्स्ट है हमारा डिस्टिल वाटर। स्टेनिंग करने के लिए हम टैप वाटर नहीं लेते हैं, डिस्टिल वाटर लेते हैं। ये हमारा बंसन बर्नर, इसको हम स्लाइड पे जब स्मीयर लगाते हैं तो उसके बाद इसे हीट फिक्स करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसमें हम इसका ढक्कन खोल के इसके अंदर अल्कोहल डालते हैं, उसके बाद इसको जलाते हैं। नेक्स्ट है इनोक्यूलेटिंग लूप। इससे हम बैक्टीरिया को कैरी करते हैं और स्मीयर बनाते हैं स्लाइड पे। इसको सबसे ये है इमर्शन ऑयल फॉर माइक्रोस्कोप। सो ये जो आप देख रहे हैं ये ऑयल इमर्जन है, इसको हमने देखो स्लाइड पे हम इसको रख रहे हैं। देन ये है माइक्रोस्कोप जिससे कि हम बैक्टीरिया को देखते हैं। सबसे पहले हम बंसन बर्नर को जलाएंगे। जलाने के बाद जो स्लाइड लेंगे, सबसे पहले हम स्लाइड लेंगे और उसको पहले हम फ्लेमिंग करेंगे, यानी कि जो बर्नर है उसके ऊपर ऐसे करके आँच होता है ना, आँच दिखाते हैं उस टाइप से हम लोग उसको फिक्स करेंगे ताकि उसमें जो जर्म्स बैक्टीरिया अगर हो उसमें प्रेजेंस तो वो किल हो जाए। देन उसके बाद स्लाइड पे नॉर्मल स्लाइन लेंगे, जो फर्स्ट वाला पिक्चर है वो नॉर्मल स्लाइन है। देन उसके बाद सेकंड में उसको हम स्लाइड पर लगाएंगे और ओवल शेप या सर्कल शेप के स्मीयर बनाएंगे। उस इनोक्यूलेटिंग लूप को लेकर हम उसको उसमें अच्छे से राउंड राउंड करके उसमें सर्कल टाइप स्मीयर बना लेंगे। उसके बाद हम इनोक्यूलेटिंग लूप लेंगे, उसको बंसन बर्नर में जो बर्नर होगा हमारा जो चलता है बर्नर, उसमें हम क्या करेंगे, इसके जो ऊपर वाले हिस्से को इसको हम रेड हीट करेंगे, यानी जब तक वो इनोक्यूलेटिंग लूप का जो अपर वाला पार्ट है सर्कल में जो है उसको हम रेड हीट करेंगे जब तक वो लाल ना हो जाए। लाल होने के बाद क्या करेंगे, हम जो फोर्थ नंबर पर कल्चर बैक्टीरिया का कल्चर मीडिया रखा हुआ है येल्लो येल्लो कलर का, उसको इनोक्यूलेटिंग लूप के अपर पार्ट से जिसको हमने रेड हीट किया है उससे उसमें जो बैक्टीरिया है दिख रहा होगा आपको, मतलब अलग ही कलर में दिख जाएगा, उसको हम उससे इनोक्यूलेटिंग लूप से उठाकर जो हमने स्लाइड बनाई है उसके ऊपर देन हम उस बैक्टीरिया की स्मेयर बना लेंगे स्लाइड पे। स्लाइड पे स्मेयर बनाने के बाद उसको हम हीट फिक्स करेंगे, यानी जो हमारा बर्नर है उसको जलाएंगे। जलाने के बाद उसमें जो आग निकल रही होगी उसमें से ऊपर हम उसको स्लाइड को लेफ्ट एंड राइट में से दिखाएंगे आँच। उसके बाद फ्लेमिंग करने के बाद, हीट फिक्स करने के बाद वो जो ऊपर हम स्लाइड के ऊपर लगाते हैं बैक्टीरिया वो उसमें सोख लेता है, सूख जाता है, वो रफ सरफेस हो जाता है उसका। उसके बाद हम इस पर स्टेनिंग करेंगे। स्टेनिंग करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए क्रिस्टल वायलेट। पिक्चर में फिफ्थ नंबर पे हमने क्रिस्टल वायलेट की फ़ोटो लगाई है, उसको देखिए, वो क्रिस्टल वायलेट है जो कि पर्पल कलर का होता है। सबसे पहले हम स्लाइड पे क्रिस्टल वायलेट की ड्रॉप डालेंगे
पूरे जो हमने स्मेयर ओवल शेप बनाई है, सर्कल शेप बनाई है, उस पर हम क्रिस्टल वॉलेट डालेंगे, उसको 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद फिर हम उसे डिस्टिल वाटर से वॉश कर लेंगे। ये जो हमारा क्रिस्टल वायलेट स्टेन करने के लिए डाई है, ये हमारी प्राइमरी स्टेन होती है, यानी कि सबसे पहले किया गया स्टेन होता है। जो क्रिस्टल वायलेट होता है, वो जब हम उसमें स्टेनिंग करते हैं तो जो बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव या पॉजिटिव, वो पर्पल कलर लेते हैं दोनों ही बैक्टीरिया। उसके बाद हम डालते हैं ग्राम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं। उससे क्या होता है, जो पॉजिटिव वाला बैक्टीरिया होता है वो उस पर्पल कलर के साथ, मतलब क्रिस्टल वायलेट के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है ग्राम आयोडीन, और जो नेगेटिव होता है वो नॉर्मली रहता है। उसके बाद हम डालते हैं डीकलराइजर। ग्राम डीकलराइजर डालने से क्या होता है, जो पॉजिटिव वाला होता है वो अपना कलर नहीं छोड़ता। एक तरह से डीकलराइजर एक एसिड होता है, इसलिए उसको डाला जाता है। और जो ग्राम पॉजिटिव होता है वो उसका कलर नहीं छोड़ता पर्पल कलर, और जो नेगेटिव होता है वो थोड़ा वीक होता है, इस वजह से वो कलर छोड़ देता है। तो जो हमारा पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो पर्पल कलर में रहता है, और जो नेगेटिव होता है वो डीकलराइजर डालने से उसका कलर निकल जाता है, तो हमारा नेगेटिव बैक्टीरिया कलरलेस हो जाता है। सबसे मेन बात, जो आयोडीन होता है, ग्राम्स आयोडीन, उसको हम 1 मिनट के लिए छोड़ते हैं, और जो डीकलराइजर होता है, क्योंकि वो एसिड होता है, तो उसको सिर्फ हम 1 और 2 सेकेंड्स के लिए ही छोड़ते हैं। सो जो हमारा ग्राम पॉजिटिव है उसने तो कलर ले लिया पर्पल, पर जो ग्राम नेगेटिव है उसने कलर छोड़ दिया है, वो कलरलेस है। तो उसको कलर करने के लिए हम सेकेंड स्टेन का यूज़ करेंगे, जिसका नाम है सेफ्रिन। हम फिर स्लाइड पे सेफ्रिन डालेंगे 30 सेकेंड्स के लिए। 30 सेकेंड्स के लिए उस पर सेफ्रिन डालेंगे स्लाइड पे। उसके बाद क्या करेंगे, 30 सेकेंड्स बाद उसे डिस्टिल वाटर से वॉश कर देंगे। जितनी बार हम चाहे ग्राम आयोडीन डालें चाहे डीकलराइजर, उसको डालने के बाद उसको वॉश कर देना है। विदाउट वॉश करे हम दूसरी स्टेन नहीं डालेंगे स्लाइड पे। तो हमने स्लाइड पे सेफ्रिन डाली, 30 सेकेंड बाद उसे वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद क्या करेंगे, उसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे सूखने के लिए। जब वो थोड़ा ड्राई हो जाएगा तो वो रेडी हो जाएगा माइक्रोस्कोप से देखने के लिए। तो जो सेफ्रिन हमने डाला है उससे क्या होगा, जो नेगेटिव वाला बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, उसको पिंक कलर मिल जाएगा। सो हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा ग्राम नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव। सेकंड बात ये है कि जो हमारा ये काउंटर स्टेन है, यानी जो सेफ्रिन है, इसको हम काउंटर स्टेन भी बोलते हैं। ये सेकेंडरी स्टेन होता है, प्राइमरी स्टेन होता है क्रिस्टल वायलेट। सो जब स्लाइड सूख जाए उसके बाद हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप से उसे देखेंगे। तो माइक्रोस्कोप से देखने के लिए सबसे पहले हम उस पर क्या लगाएंगे, ऑयल इमर्शन। ऑयल इमर्शन लगाने से जो हमें बैक्टीरिया है वो क्लियर दिखेगा, और उसके बाद हम जो माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस है उसमें जो 100x है उस पर करके देखेंगे, तो हमें बैक्टीरिया ईजिली दिख जाएगा। सो इस पिक्चर में है बंसन बर्नर, ऑयल इमर्जन, माइक्रोस्कोप और डिस्टिल वाटर, इन्हीं सब का यूज़ मैंने इसमें बताया है। सो आप ये पिक्चर देख सकते हैं, इनमें हम सारे जो हमने मेथड यूज़ करे हैं उससे हमें स्लाइड पे ये बैक्टीरिया दिख रहा है माइक्रोस्कोप पे। इसे कोकस, इसमें कोकाई और बेसिलस टाइप के बैक्टीरिया हैं, जो कि 1 ग्राम नेगेटिव है और 1 ग्राम पॉजिटिव। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon to get notification for next video. Thanks for watching.